एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो आरबीआई एस्पिरेंट से पूछा जाता है इंटरव्यू में, स्पेशली इंजीनियर से। इसके तीन अलग अलग डायमेंशंस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपको समझने। नंबर वन, जो भी आप आंसर दो वो आपका खुद का होना चाहिए। इफ़ यू ट्राई एंड बोरो समवन एल्सेज आंसर तो ना वो कन्विंसिंग होगा ना ही वो जस्टिफाइबल होगा। मेक श्योर कि आपका आंसर आपका खुद का है। अब दो पैरामीटर समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, इंजीनियरिंग जो भी फाइनेंस में आज की डेट में हो रहा है, जो भी बैंकिंग में हो रहा है, इट इज स्ट्रांगली कनेक्टेड विद टेक्नोलॉजी। एज एन इंजीनियर योर केपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी इज मच बेटर देन अ कॉमर्स ग्रेजुएट या फिर सीए या फिर कोई भी फाइनेंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो। देयर फोर इट गिव्स यू एन एज एंड दैट इज वाई दे शुड हायर यू। सेकेंड है फाइनेंस। मैं इस क्वेश्चन को आंसर कर रहा हूँ फॉर एस्पिरेंट्स हु आर विलिंग टू राइट द एग्जामिनेशन इन द फ्यूचर। अब आपको जब भी एग्जाम लिखना है आपको ये मेक श्योर करना है कि फाइनेंस के कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज या डिग्री कोर्सेज आप एडवांस में करके जाएं, सो दैट यू कैन जस्टिफाई योर इंटरेस्ट इन फाइनेंस एंड बैंकिंग। अगर आप ऐसे ही उठ के चले जाएंगे तो वो आपको क्वेश्चन करेंगे कि आपको आता कुछ है नहीं, बस आप सिलेबस पढ़ के आ गए और यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपको हायर करें। तो मेक श्योर कि आप फाइनेंस में कुछ ना कुछ अपर हैंड लेके जाएं एज एन इंजीनियर।